कोविड-19 से हुई मृत्यु की दशा में परिजनों को 50,000 रुपए बतौर मुआवजा दिए जाने के निर्देश के बाद अब परिजनों व उनके निकटतम रिश्तेदारों द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा लगाए गए शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचकर अपना फॉर्म जमा करवाया जा रहा है। यह शिविर 26 फरवरी तक चलेगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग राजेश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन एवं निर्देश पर न्यायाधीश गणों द्वारा बताया गया कि कोविड-19 से किसी व्यक्ति की मृत्यु की दशा में परिजनों को 50,000 बतौर मुआवजा प्रदान किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुआवजे की मांग मृतक के निकटतम नातेदार द्वारा की जा सकती है। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा दुर्ग स्थित न्याय सदन परिसर में 26 फरवरी तक शिविर लगाया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर अपने परिवार के सदस्यों की कोरोना से हुई मृत्यु का मुआवजा लेने आवेदन जमा कर सकते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को लगे शिविर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर अपना आवेदन जमा कराते नजर आए। अब तक 250 लोगों से ज्यादा लोगों ने अपने आवेदन जमा करा चुके हैं। इस संबंध में न्यूज टीम को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जिला सत्र न्यायाधीश श्री राजेश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन निर्देशन में कोविड से संबंधित जो परेशानियां लोगों को आ रही है, उस समय में ये एक मुआवजा एक अभियान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदन से शुरू की गई है, जिसका मेन मकसद यही है कि जो व्यक्ति कोविड की में मृत्यु हुई है उनके परिवारजनों को 50,000 रुपये का जो कंपनसेशन था वो मिला है कि नहीं मिला, इसके संबंध में हम लोग ये करते जो अभियान है शुरू किए हैं। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हमारे संपर्क में आ भी रहे जिनके द्वारा कभी भी तक मुआवजे की कोई भी आवेदन नगर निगम या कलेक्टर के माध्यम से प्रेषित नहीं की गई है, तो उनका आवेदन यहाँ लेके हम उनकी सहायता प्रदान कर रहे हैं। ठीक, ये वैसे कितने दिनों तक ये चलना है शिविर को जो ये लगा है? अभी हम लोग का जो फर्स्ट फेस है वो 26 तारीख तक का है। 26 तारीख तक जितने आवेदन आ सकते हैं अपन लेंगे, उसके बाद इसका रिपोर्ट बना के हम वहाँ प्रेषित करेंगे ताकि इनको मुआवजे की राशि मिल सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।